हेलो बच्चों आज मैं आप लोगों को क्लास नाइन्थ का जो आपका चैप्टर नंबर फाइव है ना इंट्रोडक्शन टू यूक्ट्स ज्योमेट्री इसको कराने वाली हूँ और इसको आज हम अपने जो सपोर्ट मटेरियल की बुक है ना जो आपको गवर्नमेंट स्कूल से मिलती है उससे करने वाले हैं आसान चैप्टर है और चैप्टर भी छोटा सा है कोई ज़्यादा लेंदी नहीं है तो अगर हम यहाँ पर देखें सबसे पहली बात तो ना आपको इसकी जो एग्जाम्स हैं और जो ये पोस्टक्ट्स हैं ये आपको कुछ याद होने चाहिए तभी आप इस चैप्टर को कर पाओगे ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर यहाँ आपसे क्या कह रहा है स्टार्टिंग में राइट द नंबर ऑफ दैट सरफेस कंटेन एक सरफेस में कितनी डायमेंशन होती है वो आपको बतानी है तो दो ही होती है नॉर्मली लेंथ और ब्रेथ तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास टू क्लियर है नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो इसमें आपसे क्या कह रहा है इस अभी फिलिंग द ब्लैंक्स ही है कह रहा है प्रूव इज रिक्वायर्ड फॉर एक प्रूफ किसके लिए चाहिए होता है तो देखो जो पोस्टुलेटर जो एग्जाम्स है ये हम एज्यूम करते हैं कि ये सच है पर ये एक्चुअल में इनका कोई प्रूफ नहीं होता पर थ्योरम्स का प्रूफ होता है तो इसलिए इसका आंसर है थ्योरम अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहे हैं द नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट डिटर्माइंड बाई थ्री कोलिनियर पॉइंट इज टू थ्री और ओनली वन देखो कॉलिनियर पॉइंट वो होते हैं जो एक लाइन पे होते हैं जैसे सी पर अगर मैं कहूँ यहाँ पर ए बी सी तो ये नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स है क्योंकि एक लाइन पे नहीं है तो इसलिए इसका आंसर है ओनली वन ठीक है नेक्स्ट में कह रहे हैं स्टेटेड दैट इफ इक्वल आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल देन द रिमाइंडर आर इक्वल इन द फॉर्म ऑफ डैश एग्जियम डेफिनेशन एंड पोस्ट तो ये आपके पास अगर आप यहाँ पर देखो तो ये एग्जियम है आपके पास क्लेट्स ने बोला है कि अगर आप इक्वल में से इक्वल को ही सब्ट्रैक्ट करोगे ना तो रिमाइंडर जो आएगा वो भी इक्वल ही आएगा इसलिए मैं आप लोगों को बोल कि कुछ पोस्कुलेट्स और एग्जाम्स आप याद कर लें ताकि आपके लिए चैप्टर थोड़ा ईजी हो जाए ठीक है देन नेक्स्ट में कह रहे हैं इन गिवन फिगर ए डी इज इक्ल टू बी सी देन ए सी एंड बी डी आर इक्वल और नॉट देखो इस फिगर में आपसे कह रहे हैं कि जो ए डी है वो बी सी के इक्वल है तो बताओ क्या ये पूरी लाइन ए सी जो है वो बी डी के इक्वल होगी या नहीं होगी तो मैं क्या करती हूँ इस ए डी में सी डी को ऐड कर देती हूँ और यहाँ बी सी में क्या करती हूँ इसमें भी सी डी को ऐड कर देती हूँ ध्यान से देखो मैंने दोनों जगह सेम चीज़ ऐड की है तो ए डी प्लस सी डी करूँगी तो ए सी आ जाएगा और बी सी प्लस सी डी करूँगी तो कितना आ जाएगा बी डी आ जाएगा और जब दोनों जगह सेम चीज़ ऐड करते हैं तो वो इक्वल होता है ऐसा हमार को एक्जियम टू कहती है अगर हम यहाँ देखें देखो ये ना इफ़ इक्वल आर एडीड टू इक्वल द होल आर इक्वल है ना तो इसको यहाँ लिख भी सकते हैं हम अकॉर्डिंग टू एग्जाम टू अकॉर्डिंग टू एक्ज ए सी इज इक्वल टू बी डी क्लियर नेक्स्ट में कह रहे हैं हाउ मेनी लाइन्स कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट एक पॉइंट से आप कितनी लाइन्स बना सकते हो बहुत सारी बना सकते हो तो इसका आंसर आ जाएगा इनफाइनाइट क्लियर नेक्स्ट में कह रहा है स्टेट यूक्लेट्स फर्स्ट पोस्टुकलेट और उसके बाद एट्थ में है राइट यूक्लेट्स फिफ्थ पोस्टुकलेट तो बस दोनों ही आप यहाँ से लिख दो सेवन्थ और एट्थ का आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा तो फर्स्ट वाली आपके पास ये रही और फिफ्थ वाली आपके पास ये रही बस आपको ये राइट करना है इसलिए आपको बोल लूँ कि इन्हें याद कर लो अच्छे से ताकि आपको ये दिक्कत ना हो लिखने में ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन्थ में आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर इफ ए प्लस बी इजिकल टू फिफ्टीन ए प्लस बी प्लस सी जो है इज इक्वल्स टू फिफ्टीन प्लस सी विच एग्जाम ऑफ यूक्लेट द स्टेटमेंट इलस्ट्रेट तो ध्यान से देखो आपने लेफ्ट हैंड साइड में भी c प्लस किया और राइट हैंड साइड में भी c को ही प्लस किया है अभी हम करके आए हैं एग्जाम टू करके आए ना तो विच एग्जाम ऑफ यूक्लेट तो एग्जाम टू अगर आप इक्वल में इक्वल ऐड करोगे तो वो इक्वल ही आएगा क्लियर नेक्स्ट में आपसे कह रहा है क्वेश्चन टेन में इफ़ यहाँ पर ये यह लास्ट है उसके बाद आपके वन मार्क के क्वेश्चंस जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे इफ ए बी एंड सी आर थ्री पॉइंट्स ऑन अ लाइन एंड बी इज बिटवीन ए एंड सी देन प्रूव दैट ए सी माइनस बी सी इज इकल टू ए बी अब देखो इसमें आपसे क्या कह रहा है इसमें भी आपके पास यूक्लिड ही लगने वाला है तो ये तीन पॉइंट्स ए की लाइन पे है और बी जो है वो इनके बीच में है तो आपको ये प्रूफ करना है कि ए सी में से अगर आप बी सी को माइनस करते हो तो ए बी बचेगा तो यहाँ पर आपको बी जो है वो पॉइंट इसके बीच में दे रखा है तो पहली बात तो आपको पता है कि अगर ए बी में आप बी सी को प्लस करोगे तो ए सी आएगा ठीक है ना अब आप क्या करो ए सी में से इस ए बी को उधर ले जाओ माइनस कर दिया तो कितना आएगा बी सी ही तो आएगा हैंड्स प्रूफ्ड यही तो प्रूफ करना था तो ये यूकुलेट का ही पोस्टलेट है एक हमारे पास कि अगर बी जो है वो उस पॉइंट पे हो जो ए सी पे जिस पे लाई कर रहा है अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊँ देखो इसके यहाँ पर आपसे कह रहा है हैं टर्मिनेटर सर्कल अच्छा इसमें फाइव ही लिखे हुए हैं ठीक है वैसे ये यूक्लिड का पॉस्टिकुलेट ही है कि अगर आपके पास यहाँ पर एक पॉइंट जो है वो एक लाइन पे लाई करता है तो इन दोनों का सम जो आपको पता है ना वो मिला के कितना होगा ए ही तो होगा बस मैंने ट्रांसपोज किया है और कुछ नहीं किया ठीक है तो आज हमने क्वेश्चन वन टू टेन कंप्लीट कर लिए छोटा सा चैप्टर है ट्वेंटी फाइव या ट्वेंटी सिक्स क्वेश्चन है दो या तीन दिन में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करा दूंगी कहीं भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा थैंक यू